तो आज मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ सर्वाइव करने की 600 डेज इन डेजर्ट ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि मैं अगले वीडियो में एक सिटी को बिल्ड करूंगा, तो ये उस सिटी बिल्ड का पार्ट वन है और ये एक सीरीज की तरह होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग थोड़े से बिल्डिंग्स को बिल्ड करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सबको एक हैप्पी न्यू ईयर। ये मेरा इस साल का फर्स्ट वीडियो है, तो मैं चाहता था कि मेरा इस साल का फर्स्ट वीडियो डेजर्ट ओनली वर्ल्ड का होना चाहिए, क्योंकि मेरा डेजर्ट ओनली सीरीज ही पहले वायरल गया था। सो या इस साल की शुरुआत डेजर्ट ओनली वर्ल्ड से करना बेटर रहेगा। ओके, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हे गाइस, मैं सतुक्सु और फिर से तुम लोगों का स्वागत है अपने डेजर्ट में। ओके, डे 501 को मैंने यहाँ से बहुत सारे बीकन्स को निकाले। पहले मेरा आयरन का बीकन, फिर मेरा डायमंड का बीकन, फिर एमरल्ड का बीकन और लास्ट में अपने गोल्ड का बीकन। मैं इनको इसीलिए निकाल रहा था क्योंकि ये बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था और ये पोडियम भी इतना कुछ खास लग नहीं रहा था। मुझे कुछ ऑसम से बिल्ड करना था। एनीवेज, मैं लास्ट वीडियो में तुम लोगों को एक चीज दिखाना भूल गया। अभी मैं दिखाता हूँ कि मेरे पास कितना आयरन है। ये देखो मेरे पास कितना आयरन है। कुछ आयरन को मैंने ब्लॉक्स में बना दिया है और बाकी यहाँ पे बहुत सारा आयरन है। एंड लास्ट वीडियो में जब मैं अपनी जमीन को फ्लैट कर रहा था तब यहाँ पे बहुत सारे आयरन गोलम स्पॉन हो रहे थे और इससे मुझे बहुत ज्यादा आयरन मिला। एनीवेज, पहले जाके अपने पोडियम को भी रिमूव कर देते हैं। ये इतना कुछ खास लग नहीं रहा, मतलब मैंने अर्जेंट में रख दिया था लास्ट वीडियो में। अभी मुझे जाके अपने क्रीपर फार्म को फिक्स करना है। आई थिंक ये टूट चुका है। यहाँ पे तुम लोग एक डिस्पेंसर देख सकते हो, या ये शायद से टूट चुका है। अभी मैं सारे लेयर्स में जाके देखने वाला हूँ कि कौन सा लेयर टूटा हुआ है, बाकी ये आसान तो नहीं है। ओके, सारे लेयर्स को चेक करने के बाद मुझे पता चला कि ये लेयर टूटा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो कि सारा धुआं आ रहा है, मतलब ये टूट चुका है। एनीवेज, इसको फिक्स करने के लिए मेरे पास ब्लॉक्स नहीं है। मैं जाके सैंड को तोड़ देता हूँ, इससे मैं सैंडस्टोन बनाऊंगा। अभी इसको मैं प्लेस कर सकता हूँ इस जगह पे। एंड यस, ये फिक्स हो चुका है। और यहाँ पे कैंप फायर भी मिसिंग है, शायद से यहाँ पे एक क्रीपर फटा था। अभी मुझे जाके कैंप फायर लाना पड़ेगा वरना मॉब्स मरने नहीं वाले। अपने घर में जाता हूँ। ओके, ये बनाई मैंने बहुत सारे कैंप फायर, पहले जाके सो जाते हैं। ये हम लोग सो गए। ओके, अभी इसको फिक्स करते हैं। ये मैंने प्लेस करी सारी कैंप फायर्स और इसी के साथ अपना मॉब फार्म फिक्स हो चुका है। ओके, यहाँ पे जाके AFK करते हैं और देखते हैं कि हम लोगों को कितना गन पाउडर मिलेगा। एनीवेज, मैं यहाँ पे AFK कर रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को कुछ कहना चाहिए। थैंक यू तुम लोगों का 200,000 सब्सक्राइबर्स के लिए। ये पिछले साल ही कम्प्लीट हो चुका था लेकिन मैं बताना भूल गया। अच्छा, एंड हैप्पी न्यू ईयर। इस साल का हमारा गोल है कि मुझे हिट करना है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स, तो इसीलिए अगर तुम लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छा चैनल है। अच्छा, और अगर तुम लोगों को कंटेंट पसंद नहीं आता तो बाद में तुम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हो, तो या सब्सक्राइब करो, इस चीज का रिग्रेट तुम लोग नहीं करोगे। एंड या सब्सक्राइब करो। आई वांट टू रीच 1 मिलियन। ओके, थोड़ी देर बाद वेट करने के लिए मैं देखने चला गया कि कितना गन पाउडर इकट्ठा हुआ है। कोई सेंस है इस बात की? एंड या, यहाँ पे थोड़े बहुत गन पाउडर इकट्ठे हुए हैं, मतलब मैं ज्यादा देर तक AFK खड़ा नहीं रहा, बट ठीक है फिलहाल के लिए। और ये देखो यहाँ पे कितने सारे एरोस हैं। इतने सारे एरोस का मैं क्या करूंगा। और अभी मुझे लगता है कि मुझे तुम लोगों को अपना घर का टूर देना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बार भी तुम लोगों को अपना घर नहीं दिखाया है। ओके, तो पहले ये है एक एरिया, यहाँ पर थोड़ा सा जगह है, अंदर जाते हैं। और ये है एक स्टेयरकेस जो कि ऊपर जाता है और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक और रास्ता जाता है, यहाँ पर एक रूम है, इसमें भी कुछ नहीं है। इसमें मैं कभी कभार लैंड होता हूँ अपनी इलाइट्रा से, बहुत ज्यादा ऑसम है ये। यहाँ पर एक और रूम है, यहाँ पे बहुत सारे कारपेट रखे हैं, ये बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, इसको रिमूव करता हूँ मैं। ओके, यहाँ पर भी स्टेयरकेस है जो कि उसी रूम से कनेक्ट होता है। एंड इस साइड भी सेम स्ट्रक्चर है। सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो इस घर में कुछ भी नहीं है, या एक सिंपल सा घर है। मुझे पता नहीं कि इसको मैंने बिल्ड क्यों किया था, मैं इसमें रहता भी नहीं हूँ। डे 504 को मैं चला गया फायरवर्क रॉकेट्स बनाने के लिए। यहाँ पे मुझे थोड़े से पेपर मिले, ये बनाई मैंने फायरवर्क रॉकेट्स। फिर मैंने सोचा कि मुझे इसके लिए एक डेडिकेटेड शेल्टर बॉक्स बनाना चाहिए, ये बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। और उसके बाद मैंने इसको एक कलर कर दिया रेड कलर में, ये फायरवर्क रॉकेट जैसा लगता है। मुझे जल्दी से पता चल जाएगा कि इसमें फायरवर्क रॉकेट्स हैं। ओके, मुझे लगता है कि मुझे इस रोड को यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि अपना नया एरिया एक्सटेंड हो चुका है। तो मैं यहाँ पे एक लंबा सा रोड बिल्ड करूंगा एंड तक। उसके लिए मुझे थोड़े से स्टोन्स चाहिए, तो मैं अपने माइनिंग के एरिया पे चला जाता हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़े से स्टोन्स मिल जाते हैं, एक्चुअली यहाँ पे स्टोन्स की कमी नहीं है। ओके, चल के इस रोड को एक्सटेंड करते हैं। और मुझे इस सब को भी फिल करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वियर्ड है ये। तुम लोग देखो टाइम लैप्स। Thank you.
ओके मेरा सेकंड एम है कि मुझे अपने गोल्ड फार्म में एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाना है, एक सॉर्टिंग सिस्टम ताकि सारे स्वॉर्ड्स और गोल्ड सेपरेट हो सके, क्योंकि तुम लोगों को पता होगा कि अपने गोल्ड फार्म में बहुत सारे स्वॉर्ड्स मिलते हैं जो कि बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं, इसीलिए एक सॉर्टिंग सिस्टम बनाना बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इसके लिए मैं चीजें इकट्ठे कर रहा था यहाँ पे। ओके अभी फिलहाल के लिए सारे चीजें इकट्ठे हो चुके हैं, मैंने इसमें बहुत सारे पार्ट को स्किप किया है, तो यार चल के इसको बिल्ड करते हैं। ये हम लोग आ चुके हैं अपने गोल्ड फार्म में एंड यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स हैं, ये बहुत ज्यादा अनोइंग होते हैं। सबसे पहले मैं सारे गोल्ड को इकट्ठे कर लेता हूँ, गोल्ड इंगट्स और गोल्ड नगेट्स। उसके बाद मैंने सारे गोल्ड नगेट्स और इंगट्स को कलेक्ट किया। फिर मुझे सारी चीजों को जलाने के लिए फ्लिंट एंड स्टील चाहिए था, इसीलिए मैं घर में चला गया फ्लिंट तोड़ने के लिए, और यहाँ पे मैंने बनाई एक फ्लिंट एंड स्टील, ये सारे स्वॉर्ड्स को जलाने में काम आएगा। और उसके बाद मैंने सारे हॉपर्स और चेस्ट को तोड़ दिए, चेस्ट और हॉपर्स वेस्ट नहीं होंगे, ये सारे मेरे इन्वेंटरी में चले जाएंगे और बाकी स्वॉर्ड्स नीचे गिर जाएंगे, मुझे इन स्वॉर्ड्स की जरूरत नहीं है। ओके अभी मैं इसको जला देता हूँ। यस यहाँ पे बहुत ज्यादा गोल्ड वेस्ट हो रहा है मुझे पता है, बट मुझे स्वॉर्ड्स पसंद नहीं है, ये यूजलेस होते हैं। फिर ऐसे करके मैंने सारे जगहों से हॉपर्स और चेस्ट को तोड़ दिया, सारे जगहों से मतलब चार जगहों से। ओके अभी यहाँ से मैंने सारे हॉपर और चेस्ट को तोड़ दिया है, अभी मुझे इनको कनेक्ट करना है एक जगह पे ताकि सारी चीजें एक ही जगह पे आ जाए, तो मैं ये करूंगा हॉपर्स लगा के। ऐसे करके मुझे हॉपर्स को कनेक्ट करना है और ये सारी चीजें हॉपर के थ्रू जाएगी। ओके अभी ये सारे हॉपर्स कनेक्ट हो चुके हैं, अगर इसमें मैं आइटम डालूंगा तो इसमें आ जाएगा, हम लोग इसमें डाल के देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक आइटम डाला, यहाँ पर एक आइटम डाला और यहाँ पर एक आइटम डाला, और अभी ये सारी चीजें इस हॉपर में आ जाएंगी, देखते हैं। एंड यस यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सारी चीजें आ चुकी है, तो इसका मतलब सारे हॉपर्स कनेक्ट हो चुके हैं, मुझे इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी वैसे। पहले मैं इस सरफेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ वुडन प्लैंक से, क्योंकि ये सॉर्टिंग सिस्टम बनाने में बहुत ज्यादा स्पेस लगता है। और मैं यहाँ पे लगा दूंगा चेस्ट ताकि सारी चीजें सॉर्ट हो जाए, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम पड़ गया, मुझे चलने के लिए भी थोड़ा सा स्पेस चाहिए। ओके इस साइड को लगा देते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर है। ओके इसमें मैं अभी रेडस्टोन का मशीनरी कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है तो इसीलिए इस पार्ट को स्किप कर देते हैं। ओके तो यस गाइस अभी मैंने सारी चीजों को कर दिया है, ये बन चुका है मेरा एक सॉर्टिंग सिस्टम। पहले मैं इस सरफेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ, पता चला कि मैं यहाँ से नीचे गिर जाऊंगा। ओके तो गाइस ये है यहाँ पे एक स्टेयरकेस, इससे हम लोग नीचे जा सकते हैं। पहले यहाँ पे गोल्ड नगेट्स आएंगे, सेकंड में भी गोल्ड नगेट्स आएंगे, इसमें गोल्ड इंगट्स और इसमें रॉटन फ्लैश आएगा। फिलहाल के लिए मेरे पास रॉटन फ्लैश नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पे गोल्ड डाल दिया है, बट यहाँ पे रॉटन फ्लैश आएगा, उसको मैं ट्रेड कर सकता हूँ, इसीलिए वो वेस्ट नहीं जाएगा। एंड अभी मुझे इस हॉपर को कनेक्ट कर देना इस चेस्ट से, इससे क्या होगा कि सारे स्वॉर्ड्स नीचे इस चेस्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे 5 चेस्ट है, 5 डबल चेस्ट, मुझे पता है कि ये भी जल्दी से फिल हो जाएगा, बट यार देखते हैं कि हम लोग स्वॉर्ड्स का क्या कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा सा AFK टेस्ट किया, मैं देखना चाहता था कि यहाँ पे सारे चीजें सॉर्ट हो रहे हैं कि नहीं, वरना ये मशीन वेस्ट हो जाता। ओके अभी जाके देखते हैं कि सब कुछ काम कर रहा है कि नहीं। एंड यहाँ पे सारे स्वॉर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं, ये काम कर रहा है। तो गाइस जैसा कि तुम लोगों ने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स इकट्ठे हो चुके हैं, पहले मैंने सोचा कि मैं इनको स्मेल्ट करके आयरन नगेट्स निकालूंगा, बट मुझे लगता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बहुत सारे स्वॉर्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो इसीलिए मैं एक काम करने वाला हूँ, मैं इन सारे स्वॉर्ड्स को डिस्पेंस करने वाला हूँ या इसको मैं फेंकने वाला हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, क्यों? एनीवेज फिर मैं चला गया अपने घर को एंड day 513 को मैं जाके सो गया। day 514 को मैंने डिस्पेंसर सिस्टम बनाने के लिए चीजें इकट्ठे करे, इसके लिए ज्यादा चीजें नहीं चाहिए, ये एक सिंपल सा डिस्पेंसर क्लॉक है जो कि जल्दी जल्दी से चीजों को डिस्पेंस करेगा। अभी इसे जाके बिल्ड करते हैं। ओके ये आ चुके हैं हम लोग इस जगह पे। पहले मैं यहाँ से सारे चेस्ट को तोड़ देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे स्वॉर्ड्स इकट्ठे हुए हैं। ओके मुझे इसको कनेक्ट कर देना है नीचे, पहले मैं यहाँ पे डिस्पेंसर लगाऊंगा, ये लगाए मैंने डिस्पेंसर, अभी मुझे इसको कनेक्ट कर देना है ऐसे करके। यस अभी सारी चीजें नीचे जाएंगी, लेकिन मुझे इसको पावर करने के लिए यहाँ पे एक क्लॉक करना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा क्लॉक बनाया, यस ये बहुत ज्यादा सिंपल है, इसको मुझे तोड़ के यहाँ पे रेडस्टोन वापस लगा देना है। ये सभी एक क्लॉक चालू हो चुका है, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि ये बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रहा है। गाइस अभी ये सारे यूजलेस स्वॉर्ड्स को फेंक देगा और वो नीचे डिस्पॉन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे थोड़े से टॉर्चेस लगा देने चाहिए क्योंकि यहाँ पे मॉब स्पॉन हो सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से चारकोल बनाए और थोड़े से टॉर्चेस बनाए। यहाँ पे मैं टॉर्चेस लगा दूंगा, यहाँ पर इस जगह पे, वैसे ग्लास के ऊपर लगाने की जरूरत नहीं है, बट कोई नहीं, ये अभी यहाँ पे मॉब स्पॉन नहीं होंगे। अभी मुझे जाना है 150 XP पे क्योंकि 150 मेरा फेवरेट नंबर है, तो हम लोग यहाँ पे थोड़ी सी देर AFK करेंगे। पहले इस बंदे को टपली मार देते हैं ताकि ये मुझ पे अटैक करने को आ जाए। यस अभी ये काम करेगा। तो गाइस मैं यहाँ पे थोड़ा सा AFK कर देता हूँ, मिलते हैं 150 लेवल होने के बाद। फिर मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम तक AFK किया ताकि मेरा लेवल 150 हो जाए।
तो गाइस जैसा कि तुम लोग देख सकते हो अभी मेरा 150 लेवल हो चुका है। नीचे जाके देखते हैं कि कितने सारी चीजें इकट्ठे हुए हैं। ओ भाई साहब इतने सारे नगेट्स कलेक्ट हुए हैं और इंगट्स इतने नहीं है, सिर्फ एक स्टैक इंगट इकट्ठा हुआ है। खैर कोई नहीं, वो यहाँ पे अपना हॉपर सिस्टम चोक हो चुका है। कुछ भी करो ये चोक हो ही जाता है, कुछ नहीं कर सकते इसका। तो मैं इसको मैन्युअली ठीक करता हूँ एंड मैं सारे स्वॉर्ड्स को अपने हाथों से फेंकूंगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। भाई ये कितना ज्यादा काम है। ओके अभी ये फ्री हो चुका है एंड सारी चीजें इकट्ठे हो चुके हैं। तो अभी मैं घर चले जाता हूँ और पहले जाके सो जाता हूँ। व्हाट, यहाँ पे मॉन्स्टर्स है। यहाँ से किसी और जगह पे चलते हैं, स्टेयरकेस में सो जाते हैं। या माइनक्राफ्ट में तुम लोग कहीं पर भी सो सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। करते कैसे हो ये सब? ये है डे, मुझे नहीं पता। एनीवेज अभी मैं सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मुझे कोई आइडिया फ्लैश नहीं हो रहा। तो मैं जाके फिर से अपने गोल्ड फार्म में AFK करने वाला हूँ। ये हम लोग आ चुके हैं अपने गोल्ड फार्म में। पहले मैं इन सारे नगेट्स को इंगट्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बचे और चेस्ट जल्दी से फुल ना हो। ये बनाए मैंने बहुत सारे इंगट्स, ऐसे ही करके मैं सारे नगेट्स को इंगट्स में कन्वर्ट करूंगा। मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ओके ये सारे गोल्ड नगेट्स इंगट में कन्वर्ट हो चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि कितने सारे गोल्ड इंगट्स हो चुके हैं। एक्चुअली इस गोल्ड फार्म में एक प्रॉब्लम है। यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि सिर्फ कारपेट्स हैं, तो यहाँ पे चिकन वाले पिगलिंस अंदर आ जाते हैं, तो मुझे इसको फिक्स करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे स्लैब्स लगाए ताकि चिकन वाले पिगलिंस अंदर नहीं आ सके। जो पिगलिंस चिकन के ऊपर बैठ जाते हैं, व्हाट, मुझे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं। एनीवे सभी यहाँ पे मैंने सारे स्लैब्स लगा दिए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि चिकन वाले पिगलेंस अंदर घुस सकते हैं, वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं वैसे। अभी इस बंदे को टपली मरते हैं। तो गाइस अभी मुझे लेवल 200 करना है क्योंकि हम लोगों का रिसेंटली 200K हुआ है, तो इसे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। इसीलिए मैं अपने लेवल को 200 करने वाला हूँ। मुझे पता है कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, बट कोई बात नहीं, 200 लेवल बहुत ज्यादा ओपी होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा AFK करूंगा, थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा। एंड मिलते हैं थोड़ी देर बाद जब मेरे 200 लेवल्स हो जाएंगे। ओके तो ये हो चुका है मेरा 200 लेवल, बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है भाई। 200 लेवल्स किसके होते हैं, बहुत ज्यादा एपिक होता है 200 लेवल। अच्छा गाइस ये देखो कि ये XP कितना वियर्ड है, ये मेरे पीछे घूम रही है। भाई साहब ये क्या है? एनीवेज हम लोगों का यहाँ पे बहुत सारे नगेट्स इकट्ठे हुए हैं, तो हम लोगों को इसको इंगट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो यहाँ पे फिर से चोक हो चुका है, पता नहीं ये कब फिक्स होगा। हमेशा यहाँ पे सारी चीजें चोक हो जाती है, मुझे इसको मैन्युअली ठीक करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे कितने सारे स्वॉर्ड्स इकट्ठे हुए हैं, ये स्वॉर्ड्स बहुत ज्यादा गंदे होते हैं। ये सभी मैंने इसको फिक्स कर दिया है। अभी मैं इन सारे नगेट्स को इंगट्स में कन्वर्ट करूंगा ताकि बहुत ज्यादा स्पेस बचे। एंड यस थोड़ी देर बाद मैंने इसको कर दिया है, अभी ये सारे इंगट्स में कन्वर्ट हुए हैं। एंड मुझे लगता है कि मुझे इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि थोड़ा और स्पेस बचे। ये बनाए मैंने गोल्ड के ब्लॉक्स, इससे 2 स्टैक गोल्ड के ब्लॉक्स बन जाते हैं, बहुत बढ़िया। इसको हम लोग इसी में रख देते हैं या यहाँ से चलते हैं। फिर मैं चला गया अपने घर को। डे 519 को मुझे लगा कि मुझे अपने रोड्स को थोड़ा सा डेकोरेट करना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा अच्छा लगे। इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं बहुत सारे लीव्स को तोड़ूंगा और उनको यहाँ पे साइड में लगा दूंगा, बहुत ज्यादा ओपी लगेगा। तो चलते हैं और लीव्स को तोड़ते हैं। तो गाइस इन लीव्स को यहाँ से तोड़ के रोड पे लगा देते हैं। ओके उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ पे बहुत सारे रोड्स को बना देना चाहिए, लाइक बहुत सारे रोड जो कि डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक मेन रोड है। तो यार तुम लोग टाइम लैप्स देखो, तुम लोगों को समझ आएगा।
डे 504 को मैं चला गया अपने क्रीपर फार्म में। तो अभी मैं रोड्स बना के बोर हो चुका था। फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ रोड्स के आउटलाइन बनाए हैं, उसमें मुझे स्टोन्स भी डालना है, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा बोर हो चुका हूँ। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं एंड वर्ल्ड में चला जाऊंगा और थोड़े से एंड सिटीज को लूटूंगा ताकि मुझे बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस मिले। तो इसीलिए मुझे थोड़े से फायर और क्रॉकेट्स बनाने के लिए गन पाउडर चाहिए, इसी वजह से मैं यहाँ पे AFK कर रहा हूँ। तो यहाँ मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और डे 526 को मैं यहाँ पे नीचे चला गया और यहाँ पे मुझे बहुत सारे गन पाउडर्स मिले। ये फायर वर्क रॉकेट्स बनाने के लिए मोर देन इनफ है। मैं यहाँ पे बहुत सारे फायर वर्क रॉकेट्स बना रहा हूँ ताकि मैं जब एंड वर्ल्ड में उड़ रहा हूँगा तब मुझे फायर वर्क रॉकेट्स की कमी ना हो, वरना क्या पता मैं वॉइड में गिर जाऊंगा। और मेरे पास इतना फूड भी नहीं है, इसीलिए अभी मैं आ चुका हूँ अपने हॉगलिन फार्म में। यहाँ पे मैं थोड़ी देर AFK करूंगा। ओके, अभी शायद से यहाँ पे बहुत सारे पॉक चॉप इकट्ठे हो चुके हैं। एंड यस, यहाँ पे बहुत सारे स्टैक पॉक चॉप इकट्ठे हो चुके हैं। मैं सारे कलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड शल्कर बॉक्स बनाऊंगा, पिंक कलर का होगा वो, और इसमें हम लोग सारे पॉक चॉप रखेंगे ताकि हम लोगों को कभी पॉक चॉप की कमी ना हो। ओके यस, अभी हम लोगों को फायर वर्क रॉकेट्स और पॉक चॉप की कमी नहीं होगी। तो चलते हैं अपने एंड वर्ल्ड में। यहाँ से मुझे बाहर जाना है और इस गड्ढे में कूदना है एंड ये हम लोग जा चुके हैं एंड वर्ल्ड में। तुम लोगों को याद होगा कि मैंने 300 डेज की वीडियो में एक और बार एंडर ड्रैगन को मारा था, इससे हम लोगों का एक और गेटवे पोर्टल ओपन हो चुका है, ये रहा। तो मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ, इससे क्या होगा कि मुझे नए एंड सिटीज मिलेंगे और नए एंड सिटीज में मुझे इलाइट्रा और शल्कर बॉक्सेस मिल जाएंगे। ओके, ये आ चुके हम लोग अपने एंड वर्ल्ड में। फिर मैं डे 531 तक यहाँ पे एंड सिटीज को ढूंढता रहा। बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद एक एंड सिटी रेंडर हुआ जो कि बहुत ज्यादा छोटा एंड सिटी था। यहाँ पे ऑब्वियसली शिप नहीं था तो इसमें इलाइट्रा तो नहीं होगा, बट कोई बात नहीं, थोड़े बहुत शल्कर्स को मार लेते हैं। या इससे मुझे सिर्फ 4 शल्कर शेल्स मिले। थोड़ी दूर जाने पर मुझे एक और एंड सिटी मिला, ये उससे भी छोटा एंड सिटी था। आज मेरा किस्मत को क्या हुआ है। एनीवेज, इसको भी लूट लेते हैं। अभी हो चुके हैं मेरे पास 7 शल्कर शेल्स। और थोड़ी दूर और जाने पर मुझे एक और एंड सिटी मिला। ये एंड सिटी बड़ा तो था बट इसमें भी एंड शिप नहीं था, तो ये भी इतना कुछ फायदेमंद नहीं था। एनीवेज, इसमें शल्कर शेल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे शल्कर्स को मारने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और थोड़े ही दूर मुझे एक और एंड सिटी मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ पे एक एंड शिप था जो कि बहुत ज्यादा ओपी है। तो मैं यहाँ पे आकर सीधा चला गया एंड शिप में। फिर यहाँ से एक नल्ले शल्कर को मारा और इलाइड्रा को उठा लिया। और इस चेस्ट में बीटरूट के सीड्स थे, मुझे बीटरूट पसंद नहीं। वैसे यहाँ पे डायमंड के आर्मर वगैरह बहुत अच्छे मिल जाते हैं। फिर मैं निकल गया इस एंड सिटी में शल्कर्स को मारने के लिए। इससे मुझे 41 शल्कर शेल्स मिल चुके थे। तो मैं घर की तरफ चला गया। घर में आकर मैंने बहुत सारे शल्कर बॉक्सेस को क्राफ्ट किया एंड अभी मुझे इस रोड को बनाना था। जैसा कि तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सिर्फ आउटलाइन बनाया है, अभी मुझे यहाँ पे रोड भी बनाना पड़ेगा। इसके लिए मुझे थोड़े से स्टोन्स चाहिए, इसीलिए मैं चला गया अपने माइनिंग के एरिया पे। यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में डायमंड्स को माइन किया था बट मैंने स्टोन्स को इकट्ठे नहीं किया था, इसीलिए इसमें स्टोन्स नहीं है। तो मुझे कहीं और जाना पड़ेगा स्टोन्स इकट्ठे करने के लिए, इसीलिए मैं चला गया एक और माइनिंग की जगह पे। यहाँ पे बहुत सारे स्टोन्स थे तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे एक बीकन सेटअप करूंगा और बहुत सारे स्टोन्स को तोड़ दूंगा। ये शायद से वाई लेवल 20 था। वाई लेवल 20 में बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं और डीप स्लेट वगैरह नहीं मिलते, तो इसीलिए मैं यहाँ पर बीकन सेटअप करके स्टोन्स को तोड़ूंगा। या उसके बाद मैंने बीकन को सेटअप किया हमेशा की तरह अपने गोल्ड के बीकन को। बंद करो हाथ जोड़ के। इसमें मैंने ले लिया H2 का पावर और अभी स्टार्ट करते हैं माइनिंग करने का काम। ओके, थोड़ी देर बाद मेरे पास 2 शल्कर बॉक्सेस फुल हो जाते हैं स्टोन से और ये 3rd शल्कर बॉक्स है, इसमें थोड़ा सा फुल हो गया। एनीवेज गाइस, मैं इस बीकन को यहीं पर छोड़ने वाला हूँ। अगर मुझे फिर से स्टोन की जरूरत पड़ी तो मैं यहाँ से लेके जाऊंगा, ये बेटर होगा। तो यहाँ से चलते हैं। ये आ चुका हूँ मैं अपने घर को। पहले मैं यहाँ पे सो जाता हूँ। फिर मैंने डे 535 को यहाँ पे बहुत सारे स्टोन से स्लैब्स बनाए। एक्चुअली स्लैब्स बेटर होता है स्टोन से, क्योंकि मुझे इससे स्टोन का डबल मिल जाएगा, तो स्टोन का क्वांटिटी डबल हो जाएगा, तो ये बेटर होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं। एनीवेज, ये फायदेमंद है। तो यहाँ बहुत सारे स्लैब्स को क्राफ्ट करने के बाद मैं चला गया अपने रोड के कंस्ट्रक्शन में। तुम लोग देखो टाइम लैप्स।
ओके, ये है डे 542 और यहाँ पर जैसे कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने सारे रोड्स को बिल्ड कर दिया है। अभी मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ा सा डेकोरेट करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने बहुत सारे डीप स्लेट को इकट्ठा किया और उनसे मैंने डीप स्लेट के टाइल्स बनाए, डीप स्लेट के टाइल्स के स्लैब्स बनाए, ये डेकोरेट करने के लिए था, या फिर सिंपल वर्ड में बताऊं तो एक फुटपाथ बनाने के लिए। मुझे लगा कि ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ओके, अभी जाके सो जाते हैं। तू मेरे घर में क्या कर रहा है? ये कहाँ चला गया? एनीवेज कोई बात नहीं, वो यहाँ पर एक क्रीपर आ चुका है भाई, मेरे घर के अंदर क्रीपर आ चुका है, तेरी भैंस की। ओके, क्रीपर मर चुका है, सो जाते हैं। भाई ये कहाँ से आ गया? सोते टाइम ही आता है ये बंदा। एनीवेज फिर से सो जाते हैं। ओके, ये है डे 544, तो एक फुटपाथ बनाने का काम शुरू कर देते हैं, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो तुम लोग देखो टाइम लैप्स। ये है डे 547 और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे फुटपाथ बना दिया है, ये बहुत ज्यादा ओपी लग रहा है। डे 548 को मैंने डिसाइड किया कि मुझे एक क्रीपर फार्म बनाना है जो कि मेरे पहले वाले क्रीपर फार्म से बेटर होगा और ज्यादा गन पाउडर प्रोड्यूस करेगा, इसीलिए मैंने पहले तो बहुत सारे बैरल्स बनाए ताकि मैं विलेजर्स को फिशरमैन बना सकूं। एक्चुअली फिशरमैन से मुझे फिशेस मिलेंगे जिससे मैं कैट्स को टेम कर सकता हूं और कैट्स मुझे अपने गन पाउडर फार्म के लिए चाहिए, तो या इसीलिए मैं चला गया एक विलेज में। यहां पे मैंने एक टाइम पे रेड करवाया था, यहां पर मैंने आकर बहुत सारे बैरल्स को लगा दिए और सारे लोग मछुआरे बनने में इंटरेस्टेड थे। इस बंदे ने फिशेस नहीं दिए बट एक और बंदे ने दे दिया, ये बहुत ज्यादा ओपी बंदा था। अभी मुझे इसको बाय करने के लिए थोड़े से एमरल्स चाहिए थे और अच्छा हुआ कि मैं अपने अंडर चेस्ट को यहाँ पे लेके आया। यहाँ पर बहुत सारे एमरल्स के ब्लॉक्स हैं, इनसे मैं एमरल्स बनाऊंगा और इनसे मछलियाँ खरीदूंगा। बहुत महंगी हो चुकी है मछलियाँ, ये मैंने खरीदी बहुत सारे मछलियाँ, इनको मैंने शल्कर बॉक्सेस में रख दिया। डे 549 को मैं अपने घर को वापस चला गया और मेरे दिमाग में इनको मारने का एक आइडिया आया, इनको पानी में छोड़ देने का और इनको मार देने का। वैसे मैं इसे उसी विलेज में कर सकता था, मुझे नहीं पता कि इस चीज के लिए मैं अपने घर को वापस क्यों आया। एनीवेज कोई बात नहीं, बहुत सारे मछलियों को मारते हैं। डे 550 को मैं वापस चला गया उस विलेज में और जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मेरे पास 12 फिशेस हैं। मैं और थोड़ी मछलियां खरीदने के लिए जा रहा हूँ ताकि मैं बहुत सारे कैट्स को टेम कर सकूं। तो मैं उस विलेज में आ गया और यहाँ पर एक घर में मुझे कैट दिखा, तो मुझे कैसे भी करके इसको पकड़ना था, तो मैं इसके पीछे भागने लगा और ये बहुत ज्यादा तेज था बट मुझसे बच के भाग नहीं सकता। यस, ये टेम हो गया, ये मेरा इस वर्ल्ड का फर्स्ट पेट है, बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़े से मछलियों को बाई करा और उनको मार दिया। थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पर एक और कैट दिखा, तो मुझे इसको भी पकड़ना था, मैं इसका भी पीछा करने लगा। ये थोड़ी देर में पकड़ा गया, फिर मैंने इन दोनों को एक साथ मिला लिया या इन लोगों ने एक बच्चा दे दिया। वैसे इसको थोड़ी सी बीमारी है क्या? मुझे लगता है कि इसको स्किन का एलर्जी है, इसके बाल बहुत ज्यादा कम है, मुझे नहीं पता कि इसको क्या एलर्जी है। फिर मैंने यहाँ पर एक और कैट को देखा, ये व्हाइट कलर का कैट था, बहुत ज्यादा ओपी था ये, और मैंने इसको भी टेम कर लिया। थोड़ी देर बाद मुझे एक और कैट दिखा, मैं इसके भी पीछे भागने लगा बट ये बहुत ज्यादा दूर तक भागा, पर कैसे भी करके मैंने इसको पकड़ लिया, मुझसे बच के ये नहीं भाग सकता। फिर मैंने इन दोनों को भी टेम कर दिया और मुझे एक और बच्चा मिला। उसके बाद मैंने फिर से वही काम किया, मछलियों को खरीदा और उनको मार दिया। डे 553 को मैंने फिर से ब्रीडिंग करवाई ताकि और थोड़े बच्चे मिल सके। ओके, तो फिलहाल मुझे अपने घर को जाना है, देखते हैं कि ये लोग अपने घर को टेलीपोर्ट होते हैं कि नहीं। ये आ चुका हूँ मैं अपने घर को, नहीं हुए, मेरा प्लान पोपट हो गया। मुझे लगता है कि मुझे इनको पैदल लेके आना पड़ेगा। बट गाइस, मेरे पास एक और आइडिया है, मैं मेरे पास जितने भी लीड है उसको इकट्ठे करूंगा। फिलहाल मेरे चेस्ट में थोड़ी बहुत लीड है और हम लोग इसे क्राफ्ट भी कर सकते हैं, तो ये बहुत ज्यादा ओपी है।
अभी मेरे पास 8 लीड हो चुका है और मेरे पास इतने ही कैट्स हैं, तो जाके उनको लेके आते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर चला गया और मैंने सारे कैट्स को लीड डाल दिया। मैंने सोचा कि अगर मैं इनको लीड पहना के इलाइट्रो से उड़ जाऊंगा तो ये मेरे साथ ही आ जाएंगे, बट यह ऐसा हुआ नहीं। मैं अकेले ऊपर आ चुका हूँ, वापस जाके इनको लेके आना पड़ेगा। या ये काम नहीं करता, मुझे इनको पैदल ही लेके जाना पड़ेगा। एक्चुअली मेरा घर हजारों ब्लॉक दूर है यहाँ से, बट इनको पैदल ही घर ले जाना पड़ेगा। सैड लाइफ। एक्चुअली ये इतना भी बुरा नहीं था। मैं थोड़े ही देर में अपने घर को वापस आ गया एंड यहाँ पर आके भी मैंने इनको ब्रीड करवाया, क्योंकि जितने ज्यादा कैट्स उतने ज्यादा कैट्स। व्हाट? फिर मैं जाके सो गया। डे 555 को मैंने थोड़े से सैंड को स्मेल्ट किया, क्योंकि मुझे इस फार्म के लिए बहुत सारे ग्लास की जरूरत थी। उसके बाद मैं एंड वर्ल्ड में चला गया थोड़े से ऑब्सीडियन को तोड़ने के लिए, क्योंकि मुझे थोड़े से ऑब्सीडियन की भी जरूरत थी। ये बहुत ज्यादा हाईटेक क्रीपर फार्म है, वैसे ये थोड़ा सा मुश्किल था। डे 556 को मैंने थोड़ा और ब्रीडिंग करवाया जितने ज्यादा कैट्स। ओके, डे 557 तक मेरे पास सारी चीजें इकट्ठे हो चुके थे और अभी टाइम था इसको बिल्ड करने का। एंड मैं इसको बिल्ड करना चाहता था यहाँ पर इस प्लॉट पे। एक्चुअली इसको मैं सिर्फ एक क्रीपर फार्म नहीं बनाना चाहता था, उसको एक बिल्डिंग की तरह बनाना चाहता था, ताकि देखने वालों को लगे कि ये एक बिल्डिंग है, बट एक्चुअली एक क्रीपर फार्म रहेगा। तुम लोगों को बाद में समझ आएगा, पहले इसको बिल्ड करते हैं। एंड या ऐसे ही करके मैंने इसको बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ओके, इस कोऑर्डिनेट पे मुझे नेदर में जाके एक पोर्टल बनाना है, उसी से सारे क्रीपर्स नेदर में नीचे गिरेंगे। तो अभी मैं आ चुका हूँ उसी कोऑर्डिनेट में, यहाँ पर मुझे एक पोर्टल बनाना है। जल्दी से इसे बनाते हैं। ये हो चुका है ये पोर्टल लिट, इसके अंदर जाके देखते हैं। एंड या ये थोड़ा सा अपनी जगह से डिसलोकेट हुआ है, बट कोई बात नहीं, इसको तोड़ देते हैं, फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने इस नेदर पोर्टल को तोड़ दिया और मैं नेदर में चला गया इसको नेदर की साइड में बिल्ड करने के लिए। इसको एक्चुअली ग्लास से कवर कर देना चाहिए ताकि सारे क्रीपर्स भागे नहीं। और मैंने नीचे तक दो टनल्स बनाए, एक पोर्टल के इस साइड और एक पोर्टल के उस साइड। ये 21 ब्लॉक्स नीचे थे, जिससे सारे क्रीपर्स फॉल डैमेज से मर जाते हैं। और नीचे जाकर मैंने थोड़े से हॉपर्स लगाए सारे चीजों को इकट्ठे करने के लिए। अभी मुझे इसमें चेस्ट लगाना पड़ेगा सारे गन पाउडर को इकट्ठे करने के लिए। ये चेस्ट लग चुके हैं। एक्चुअली इतने चेस्ट काफी नहीं है, बट कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए काफी है। फिर मैंने ओवरवर्ल्ड में जाके इसको बिल्ड किया एंड अभी मुझे इसका AFK प्लेटफॉर्म बनाना है। या ये बिल्ड हो चुका है, मैंने इसके टाइम लैप्स को रिकॉर्ड किया था, बट पता नहीं वो कहाँ चला गया, इसलिए इसका टाइम लैप्स वीडियो नहीं बन पाया, बट एडजस्ट कर लेना। नहीं, या अभी फिलहाल AFK प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ये रहा इसका AFK प्लेटफॉर्म। और यहाँ से मेरा सिटी कितना ओपी लग रहा है। इन सारे नेदर रैक को तोड़ देते हैं। अभी मेरा पिकैक्स टूटने को हो चुका है, इसको रिपेयर करते हैं। डे 573 को मैंने अपने घर के नीचे टॉर्चेस लगाए। मैंने जो बड़ा सा एरिया बिल्ड किया था उसके नीचे बहुत सारे मॉब स्पॉन हो रहे थे, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं सारी जगहों पे टॉर्चेस लगा दूंगा ताकि मॉब्स का स्पॉन होना बंद हो जाए। एंड तुम लोगों को पता है कि ये कितना बड़ा एरिया है, तो टॉर्चेस लगाने में भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम लगा। एंड मुझे जितना भी एरिया दिखा मैंने सारी जगहों पे टॉर्चेस लगा दिए। इसके लिए मुझे लगता है कि मैंने 10 स्टैक से भी ज्यादा टॉर्चेस यूज किया है। एक्चुअली मैं नीचे रवीन और केव्स में भी जाके टॉर्चेस लगा रहा था ताकि यहाँ पे मॉब्स का स्पॉन होना बंद हो जाए पूरी तरीके से। और अभी देखो यहाँ पे कितने सारे टॉर्चेस हैं। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे और कोई मॉब स्पॉन होगा। डे 575 को मैंने डिसाइड किया कि मैं इस क्रीपर फार्म के अराउंड एक बिल्डिंग बनाऊंगा। ये जो अपना क्रीपर फार्म है उसको मैं कवर कर दूंगा एक बिल्डिंग के फॉर्म में, तुम लोगों को थोड़ी देर बाद पता चलेगा। इसके लिए मुझे बहुत सारा व्हाइट कॉन्क्रीट चाहिए, इसीलिए मैंने सारे ग्रेवल को इकट्ठे किए एंड सैंड को भी तोड़ा, क्योंकि व्हाइट कॉन्क्रीट बनाने के लिए ग्रेवल और सैंड चाहिए होता है। मेरे पास एक शल्कर बॉक्स फुल ग्रेवल और सैंड इकट्ठे हो चुके थे, इससे मैंने दो शल्कर बॉक्स फुल व्हाइट कॉन्क्रीट बनाया, जो कि तुम लोगों को बहुत ज्यादा लग रहा होगा, बट ये बहुत ज्यादा कम है। डे 577 को मैंने इन सारे कॉन्क्रीट पाउडर से एक टावर बनाया। ये एक्चुअली इजिएस्ट वे था कॉन्क्रीट पाउडर को कॉन्क्रीट में कन्वर्ट करने का, और उसको ऐसे करके मैं नीचे तक तोड़ रहा था, ये फास्टेस्ट मेथड था। भाई ये कहाँ से आ गया भाई साहब, ये कितना डेंजरस था, इसने मेरा सारा प्लान पॉपट कर दिया, बट कोई बात नहीं, ये काम कर रहा है। एंड ये उसके बाद मुझे इस बिल्डिंग को बिल्ड करना था। तुम लोग देखो टाइम लैप्स।
क्योंकि ये बिल्डिंग बिल्ड होने के बाद मैंने सोचा कि मैं इसके बाजू में एक और बिल्डिंग को बिल्ड करूंगा, जो कि मैं बनाना चाहता था स्टोन ब्रिक से, क्योंकि व्हाइट कंक्रीट खत्म हो चुका था मेरा। एंड इसको मैं बिल्ड करने वाला हूँ इस जगह पे, यस, मेरे एक और बिल्डिंग के बाजू में। तुम लोग देखो टाइम लैप्स। ओके तो गाइस ये है डे 590 और तुम लोग देख सकते हो कि मैंने इस बिल्डिंग को बिल्ड कर दिया है और ये एक टावर जैसा लग रहा है। ये देखो कि ये दूर से कितना ओपी लगता है। सोचो कि ऐसे ही सारी जगहों पे बिल्डिंग्स होंगे तो कैसे लगेंगे, ये बहुत ज्यादा एपिक लगने वाला है। बट यहाँ फिलहाल के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है सारे बिल्डिंग्स को बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा घर बनाऊंगा। ये एक छोटा सा घर होगा एक विलेजर का। एनीवेज तुम लोग एंजॉय करो टाइम लैप्स को। गाइस ये है डे 592 और देखते हैं कि मेरे पास कितना आयरन इकट्ठे हो चुके हैं। और भाई साहब ये कितना ज्यादा आयरन है। फिलहाल के लिए मैं इनको इग्नोर करने वाला हूँ, इसको बाद में देख लेंगे। उसके बाद मैं चला गया सैंडस्टोन को तोड़ने के लिए। यहाँ मेरा नेक्स्ट बिल्डिंग बनने वाला था सैंडस्टोन से, और सैंडस्टोन फाइंड करने का इजिएस्ट वे है विलेज में जाके लूटने का। विलेज में मुझे बहुत सारा सैंडस्टोन मिल जाता है। डे 593 पर भी मैंने सैंडस्टोन को इकट्ठा किया। डे 594 को मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस घर के बाजू में एक और घर को बिल्ड करना है, तो मैंने उसके बाजू में एक और घर को बिल्ड किया। एक बहुत ज्यादा सिंपल सा घर था ये, इसका मैंने टाइम लैप्स भी रिकॉर्ड नहीं किया, इतना सिंपल था ये। तुम लोग डायरेक्टली एंड रिजल्ट देखो। ओके तो ये बन चुका है अपना घर, बहुत ज्यादा सिंपल सा घर। इसको हटाते हैं, गंदा लग रहा है। यस हमारा सिंपल सा घर बिल्ड हो चुका है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैंने बिल्ड क्यों किया, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड लग रहा है। इतने छोटे घर में कौन रहेगा, जा पूछ क्या। ओके डे 594 को मैं चला गया थोड़ी और सैंडस्टोन को इकट्ठे करने के लिए, क्योंकि नेक्स्ट में एक बिल्डिंग बनाने वाला था सैंडस्टोन से, और ये बहुत ज्यादा बड़ा बिल्डिंग था। इसके लिए मुझे बहुत सारे सैंडस्टोन चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2-3 दिन सिर्फ सैंडस्टोन इकट्ठे करने में निकाल दिए। और इसी प्रोसेस में मेरे सारे टूल्स भी टूटने को हो चुके थे, इनको मुझे फिर से रिपेयर करना पड़ा। डे 596 के रात को मैं देखने गया कि कितना आयरन इकट्ठा हुआ है, एंड यहाँ पे बहुत सारा आयरन इकट्ठा हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मुझे इनको ब्लॉक्स में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि स्पेस बचे। उसके बाद मैंने इन सारे आयरन को ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया और उसको वापस रख दिया। उसके बाद मैंने जाके सारे सैंडस्टोन को कट सैंडस्टोन में कन्वर्ट किया। ये एक्चुअली सैंडस्टोन के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्मूथ लगता है, तो या मैं अपने बिल्डिंग को इसी से बिल्ड करूंगा। एंड मैं अपने बिल्डिंग को इस जगह पे बिल्ड करने वाला हूं, अपने एक्वेरियम के पास, क्योंकि यहां पे बहुत ज्यादा स्पेस है। तो या जल्दी से बिल्ड करते हैं। तुम लोग देखो टाइम लैप्स। ओके गाइस ये है डे 602 या 2 दिन ज्यादा हो गए, बट फिर भी तुम लोग देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा ओपी लग रहा है। इसको मैंने एक स्कूल के स्ट्रक्चर में बिल्ड करने की कोशिश करी है। तुम लोगों को ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्कूल जैसा लग रहा होगा, तो गाइस कमेंट्स में बताओ कि इन तीनों बिल्डिंग में से तुम लोगों का फेवरेट बिल्डिंग कौन सा है, ये अपार्टमेंट जैसा बिल्डिंग, या फिर ये टावर जैसा बिल्डिंग, या फिर ये स्कूल जैसा बिल्डिंग। वैसे मुझे सारे बिल्डिंग्स अच्छे लगे। एंड या इस वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया। मैं थोड़े ही दिन में 700 डेज की वीडियो को अपलोड करने की कोशिश करूंगा, एंड उसमें हम लोग बहुत सारे बिल्डिंग्स को बिल्ड करेंगे। उस वीडियो को मिस मत करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।